हलाल का मांस बिकता था, हलाल समझते हो ना, गद्दारों के द्वारा बेचे जाने वाला मांस, और अब ये लोग झटके का मांस देखते हैं यहाँ। और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज देहरादून में, ये देखिए पहलवान ढाबा, पहलवान पराठा ढाबा, ये मेरा शेर, मेरा बच्चा, ये जाट है जाट चौधरी, और ये 2014 में देहरादून आया था, कुछ भी लेके नहीं आया था, जब ये इसकी मेहनत का है, ये इसका ढाबा है। और ये देखिए पहलवान चिकन पॉइंट, इसके आने से पहले यहाँ जो है हलाल का मांस बिकता था, हलाल समझते हो ना, गद्दारों के द्वारा बेचे जाने वाला मांस, और अब ये लोग झटके का मांस देखते हैं यहाँ से। और जो एक बार इनसे झटके का मांस खरीदता है फिर वो झटके का ही मांस खरीदने लगता है। मैं मांसाहार को प्रोत्साहन नहीं दे रहा, लेकिन जो लोग हलाल का मांस खाते हैं वो एक तरह से ये समझो जैसे अपनी माँ का मांस खा रहे हैं, जैसे अपने बच्चों का मांस खा रहे हैं। जहां तक भी मेरी आवाज जाए, मैं सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, जो लोग भी देहरादून में आए वो इस ढाबे में जरूर आए, जो शाकाहारी है वो परांठे खाने के लिए आए, और जो मांसाहारी है वो यहाँ पर मांस खाने के लिए आए, क्योंकि यहाँ मांस झटके का मिलेगा। जैसा हिंदुओं को खाना चाहिए वैसा आपको झटके का मांस यहाँ मिलेगा। मेरा सभी हिंदुओं से अनुरोध है, हलाल का मांस कोई ना खाए, हलाल का मांस कोई हिंदू ना खाए, कोई हिंदू ना खाए। वैसे तो मांस खाना ही जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग मांस खाते हैं वो लोग हर तरह से केवल झटके का मांस खाएं। और देहरादून में आप यदि आए तो देख लो पहलवान ढाबा, पराठा ढाबा, कौन सी जगह बेटा, इसे कौन सी जगह कहते हैं, इसे प्रेम नगर कहते हैं, ये ऑन रोड पर है। सभी लोग यहाँ आए और चिकन खाने के लिए यहाँ पर आए, जहाँ आपको झटके का चिकन मिलेगा, झटके का मटन मिलेगा, झटके का मांस मिलेगा। मेरा सभी से निवेदन है, धर्म का पालन करो। फिर कह रहा हूँ, कोई भी हिंदू हलाल का मांस ना खाए, हलाल का मांस खाना ऐसा है जैसे अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खाना। हलाल के मांस से बचो, हर तरह से हलाल के मांस से बचो, तभी तुम्हारा अस्तित्व बचेगा। सभी बोलेंगे, बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।